फिलहाल माय सेल्फ डॉक्टर सुनता। अच्छा, जो टॉपिक है इस रिलेटेड टू के मुंह पे दाग धब्बे क्यों हो जाते हैं और उसका सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ जब आप अपने क्या बोलते हैं, जो भी आपको एक्ने है, पिंपल है, उसको बार बार छूते हैं और उसको खुद से ही प्रेस कर करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो दाग धब्बे रह जाते हैं आपके फेस के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म में रह जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड कि आप अपनी स्किन को बार बार टच करते हैं और वो भी अनहाइजेनिक हैंड्स के और फिंगर्स के साथ में। ठीक है, तो भी आपको जो मार्क्स हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको बार बार टच नहीं करना है, और अगर आप टच भी कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो हैंकी होता है या कॉटन का कोई कपड़ा उससे करें, अगर खुजली हो रही है वहाँ पर, ईचिंग हो रही है, अदरवाइज़ गंदे हाथ या नेल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जो मार्क्स रह जाएगा वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। ठीक है, फिर होता है नॉट यूज़ करेक्ट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव DIYs यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, हो जाती है प्लेस, और वहाँ पर और ज़्यादा उसको बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो DIYs वो ना यूज़ करें जो आपको सूट ना करता हो। बहुत सारे DIYs हैं जो सूट करते हैं, बट बहुत सारे होते हैं जो आपकी स्किन के लिए नहीं होते हैं। तो पहले एक टच टेस्ट कर लें और फिर उसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ DIYs ना करके आप प्रॉपरली मेडिसिन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर होता है अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, आपके पिलोज चेंज नहीं होते हैं, या फिर आप हाथ को गंदे गंदे से ही हाथों को अपने फेस पे लगाते रहते हैं, या फिर आपका जो पानी है या जो भी टावल है दैट इज़ नॉट प्रॉपरली वॉश्ड, तो भी ये प्रॉब्लम रहती है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, फिर होता है कि जब आप पानी बहुत कम पीते हैं तो डेफिनेटली आपका दाग धब्बे जल्दी नहीं जाते हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफाई नहीं होती है बॉडी इंटरनली। फिर होता है अगर आपको चिकन पॉक्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, उसके बाद में कुछ मार्क्स रह जाते हैं, या आपको एक्ने हुए थे उसके बाद में मार्क्स रह जाते हैं जो कि जल्दी से नहीं जाते हैं, तो आपको उसके लिए तो प्रॉपर ही रिकमेंडेड मेडिकेशंस ही और क्रीम्स ही लेनी चाहिए, जो भी आप लगाना चाहते हैं। सोल्यूशन इज़ दैट कि आपको मेडिकेटेड क्रीम्स दी जाती हैं अलॉन्ग विद इट मेडिसिन दी जाती हैं, अगर आप उनको खाएंगे तो दाग धब्बे चले जाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपके दाग धब्बे किस तरीके के हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सीटेड हैं या सुपरफिशियल है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट विल टेक 3 months to 6 months आपके दाग धब्बे चले जाते हैं, अगर वो चिकन पॉक्स के हैं, स्मॉल पॉक्स के हैं, या फिर आपने पॉप आउट करके वो निकाले हुए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो चले जाएंगे। अगर डीप सीटेड है तो शायद 3 महीने ले सकते हैं, और अगर सुपरफिशियल है तो 1 month लेगा, बट डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होते हैं वो क्योर हो जाते हैं, कोई इशू नहीं आता है। थोड़ी सी आपको इसके साथ में सावधानी बरतनी होती है जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये भी करेंगे और साथ में आप सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेड मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स लगाते हैं और साथ में थोड़ी मेडिकेशंस लेंगे, डेफिनेटली दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।